गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज गायत्री शर्मा, वेलकम यू इन टुडे साइंस क्लास। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट इन प्रीवियस वीडियोस वी हैव रेड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। वी हैव रेड अबाउट इट्स रूट, इट्स स्टेम, इट्स लीव्स, इट्स फ्लावर्स एंड इट्स अबाउट इट्स डिफरेंट फ्रूट्स। So now we are going to start the remaining part of this chapter. The name of the chapter is plant. So today our topic is food from different parts of a plant. जैसे कि जो different parts हैं plant के वो कौन कौन से हैं, root, stem, leaves, fruits, flowers and fruits. They are the different parts of a प्लांट। तो उनसे जो हम फूड है ऑब्टेन करते हैं उनके बारे में हम आज हम रीड करने जा रहे हैं। तो प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर अस। जो प्लांट्स हैं दे आर द मेन सोर्स ऑफ फूड बिकॉज दे आर द प्रोड्यूसर एंड वी आर द कंज्यूमर। सो प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर अस, क्योंकि सबसे जो फूड है वो हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट्स से मिलता है। दैट्स वाई दे आर द मेन सोर्स ऑफ फूड। वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। अब जो प्लांट्स हैं उनके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को हम क्या करते हैं, ईट करते हैं। इन सम प्लांट्स वी ईट द स्टेम। कुछ प्लांट्स हैं जिसमें हम स्टेम को ईट करते हैं। इन सम वी ईट द रूट, और कुछ में हम उसकी रूट को खाते हैं। इन सम वी ईट द लीफ, कुछ में हम उसकी लीफ को खाते हैं, ईट करते हैं। कुछ में फ्लावर्स को और कुछ में सीड और फ्रूट को हम ईट करते हैं। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट वी ईट आर कॉल्ड द ईटेबल पार्ट। अब जो प्लांट के वो पार्ट जिनको हम ईट करते हैं उन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, ईडेबल पार्ट्स बोलते हैं। कौन से पार्ट बोलते हैं, ईडेबल पार्ट्स बोलते हैं। तो ईडेबल पार्ट्स को हम ईट करते हैं। तो कौन कौन से ईडेबल्स पार्ट हैं, देखिए, लेट अस सी विच पार्ट्स ऑफ प्लांट आर ईडेबल। ईडेबल पार्ट्स कौन से हैं प्लांट के, सबसे पहले वी ईट द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स। हम कुछ प्लांट्स हैं जिनकी हम सीड्स को ईट करते हैं, यानी कि उसके जो बीज हैं, सीड मीन बीज, उनको हम ईट करते हैं। लाइक कॉर्न, वीट, राइस। देर आर सम मोर प्लांट्स हूज सीड वी ईट, लाइक मेज, मिलेट, पियर, पल्सेस, मस्टर्ड, ग्राउंड नट, सोयाबीन। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सीड्स, सीड्स प्लांट। तो वी ईट द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स। ये कुछ प्लांट्स हैं जिनकी हम क्या करते हैं, प्लांट को, दीज आर द प्लांट्स हूज ईट सीड वी ईट। देन सेकेंड इज वी ईट द रूट्स ऑफ सम प्लांट। देर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। कैरेट, रेडिश एंड टर्निप आर द एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट। सो वी ईट द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक गार्लिक, जिंजर, बीटरूट आर द एग्जाम्पल ऑफ रूट्स हुज रूट वी आर द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स हुज रूट्स वी ईट। तो कैरेट, रेडिश, टर्निप, गार्लिक, जिंजर एंड बीटरूट एट्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स हुज रूट्स वी ईट। देन थर्ड इज वी ईट द स्टेम ऑफ सम प्लांट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी हुज स्टेम्स वी ईट, जैसे शुगर केन, लॉटस स्टेम एंड पोटैटो। तो इनकी क्या करते हैं, हम स्टेम को ईट करते हैं। वी ईट द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके हम लीव्स को ईट करते हैं, कैबेज, स्पिनच, फेन्यूग्रीक जिसको हम मेथी भी बोलते हैं, इसके अलावा मिंट है, कोरिएंडर है। तो उनकी हम क्या करते हैं, लीव्स को ईट करते हैं। तो वी ईट द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक कैबेज, स्पिनच, फेन्यूग्रीक, मिंट, कोरिएंडर एट्सेट्रा। वी ईट द फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स।
कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके हम फ्रूट्स को ईट करते हैं, दे आर बनाना, एप्पल, ऑरेंज, देर आर सो मैनी फ्रूट्स लाइक बनाना और एप्पल, ऑरेंज, पोमोग्रेनेटा, चेरी, स्ट्रॉबेरी, बेरी, गुआवा, पियर, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्रूट्स. तो वी ईट द फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स. नाउ लेट्स रिवाइज अगेन. वी ईट हुज नेम द प्लांट्स हुज सीड वी ईट. वी ईट द सीड ऑफ कॉर्न, व्हीट, राइस, मेज, मिल्क, पियर, पल्सिस, मस्टर्ड, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन एक्सेट्रा. वी ईट द रूट ऑफ सम प्लांट. विच आर द प्लांट्स हुज रूट वी ईट. कैरेट, रेडिश, टर्निप, गार्लिक, जिंजर, बीटरूट एक्सेट्रा. वी ईट द स्टैम्प ऑफ सम प्लांट. नेम द प्लांट हुज स्टैम्प वी ईट. शुगर केन, लोटस स्टैम्प एंड पोटैटो. देन वी ईट द लीव्स ऑफ सम प्लांट. विच आर द प्लांट्स हुज लीव्स वी ईट. कैबेज, स्पिनच, फेन्यूग्रीक, कोरिएंडर, मिंट एट्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ लीव्स प्लांट. वी ईट द फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट. कुछ प्लांट्स के हम फ्रूट. विच आर द प्लांट्स हुज फ्रूट वी ईट. बनाना, एप्पल, ऑरेंज, पियर, गुआवा, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्रूट प्लांट. सो नाउ वी विल रीड द नेक्स्ट पेज. लीव्स, फ्रूट और स्टैम्प यूज एज वेजिटेबल सच एज स्पिनच, लेट्यूस, टोमेटो, कॉलीफ्लावर एंड ब्रिंजल ग्रो अबव द ग्राउंड. कुछ जो लीव्स, फ्रूट्स और स्टैम्प हैं जो हम एज ए वेजिटेबल यूज़ करते हैं वो कहाँ, जैसे स्पिनच है, लेट्यूज है, टोमेटो, कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल, वहाँ वो कहाँ ग्रो होते हैं, अबव द ग्राउंड. तो ये कौन से सिस्टम में आते हैं, शूट सिस्टम के अंदर आते हैं. द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रो अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट सिस्टम एंड द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रो अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट सिस्टम. तो लीव्स, फ्रूट और स्टैम्प जिनको हम वेजिटेबल के रूप में यूज़ करते हैं दे ग्रो अबव द ग्राउंड. नाउ सम रूट्स आर यूज इन वेजिटेबल. कैरेट, रेडिश, टर्निप आर रूट वेजिटेबल एंड ग्रो अंडर द ग्राउंड. कुछ रूट वेजिटेबल्स हैं इसमें कैरेट, रेडिश, टर्निप, गार्लिक, जिंजर, बीट रूट, ये सब कहाँ ग्रो होते हैं, अंडर द ग्राउंड. उनको रूट वेजिटेबल बोलते हैं पर ये और ये कहाँ ग्रो होते हैं, अंडर द ग्राउंड होते हैं. बट पोटैटो इज एन अंडरग्राउंड स्टैम्प यूज एज ए वेजिटेबल. पर जो पोटैटो है वो भी अंडर द ग्राउंड यूज होता है पर उसको हम क्या लेते हैं, एज ए स्टैम्प वेजिटेबल लेते हैं. तो दिस इज अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिफरेंट. दिस इज अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल. सो नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू हाउ अ सीड ग्रो. जब आप जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर जब आप सीड को ग्रो करते हो तो वो कैसे जर्मिनेट होता है, उसको जर्मिनेशन कैसे होता है. तो दिस इज वी आर गोइंग टू रीड. सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. जो सीड है उस सीड से क्या बनता है, बॉर्न बेबी बनता है. सैपलिंग जो निकलती है वो किससे निकलती है, सीड से. तो सीड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. जो सीड्स हैं वो किस में ग्रो होते हैं, न्यू प्लांट्स के अंदर ग्रो होते हैं. व्हेन अ सीड फॉल ऑन द ग्राउंड और वी सो ए सीड. जब हम कभी ग्राउंड के अंदर सीड्स को फेंक देते हैं या हम बोते हैं उसको, सो करते हैं सीड को, इट नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो न्यू रूट्स एंड शूट्स. अब उसको जब वो ग्राउंड के अंदर मिट्टी में मिल जाता है उसके बाद में उसको क्या चाहिए, एयर, वाटर और सनलाइट चाहिए ग्रो होने के लिए, अपनी रूट्स को, नई रूट को ग्रो होने के लिए और शूट्स को ग्रो होने के लिए. तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड जर्मिनेशन. जैसे कि इस पिक्चर के अंदर भी देखिए दिखाया गया है कि जर्मिनेशन कैसे हो रहा है. ये सीड है, फिर सीड में से देखिए उसकी रूट्स निकल रही हैं. इसलिए क्या है, जब उसको एयर, वाटर और सनलाइट मिली तो उसमें से क्या हुआ, जर्मिनेशन हुआ. तो दिस इज़ जर्मिनेशन ऑफ सीड.
सो स्टूडेंट्स यू विल ड्रॉ द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स द डायग्राम ऑफ जर्मिनेशन सीड्स इन योर नोटबुक दिस इज योर होमवर्क सो ओके थैंक यू